दूल्हे बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सिंपल कैसे करेंगे इसको? सर ने बताया था निगेटिव चीज को निकाल के बाहर फेंक देना है। निगेटिव एटीट्यूड को दिमाग से निकाल दो, बहुत खतरनाक चीज है। कुछ जाति वाला कुछ वो फंडा समझा रहे थे, मेरे समझ में नहीं आता वो एक्चुअली उसको समझ नहीं। निगेटिव चीज तो आना ही नहीं चाहिए। आप किसी निगेटिव आदमी से मिल लो, हर जगह वो आपको निगेटिव चीजें बताएंगे। पॉजिटिव चीजों में भी हाँ, जितना खराब वाली बात। वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए उनके लिए, जितना खराब। अभी मैं छोटी से आपको छोटे से घटने के बारे में बताता हूँ। देखो क्या कैसे लोग बताते हैं निगेटिव, उसको पॉजिटिव कैसे लेते हैं। एक बार मेरा एक सेमिनार था समस्तीपुर में, मैं जा रहा था, मैं दिल्ली वैसा घटना घटते रहता है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था काफी स्पीड में, हाईवे पे थे, अचानक से कुछ स्पीड ब्रेकर आया या कुछ हुआ, वो पूरा तेज ब्रेक मार दिया। तो आप हाईवे पे हैं 100 के स्पीड में है, अचानक ब्रेक मार दो, पीछे की जितनी गाड़ियां थी धा धा सब ठोक दिया एक एक करके। पीछे थोड़ा सा नुकसान हुआ, डैश हुई गाड़ी, स्क्रैच हुआ, लेकिन किसी को कुछ विशेष दुर्घटनाग्रस्त हम लोग नहीं हुए, सब लोग बाल बाल बच गए। फिर वहां से निकल के आए, जिस टाउन हॉल में सेमिनार था वहां एक गली से होकर निकलना था, मेन रोड से गली की तरफ उतरते उधर से पूरा फुल लोडेड ऑटो, जैसा आप लोग देखते हैं भागलपुर में भी, 6 की कैपेसिटी है, 60 बिठा लिया है, जरा सा टर्न ले लो फिर सीधा उलट जाएंगे। वैसे जैसे ही मेरी गाड़ी उधर गई वो यू टर्न लेके निकला, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो पलट गया, ऑटो पलट गया। अब पलटने के बाद जितने सवारी थे सब उसके नीचे दब गए थे। दौड़ के हम लोग उतरे गाड़ी से, एक एक करके सबको खींच के निकाले, किसी का हाथ टूट गया, किसी का स्क्रैच आ गया, किसी के कपड़े फट गए, किसी का सर फट गया। एक लड़का था उसमें जो कि बेहोश हो गया था, उसको पानी वानी दिए, छिटा दिए वहां पर। तब तक और भी लोग जुट गए, पुलिस की गाड़ी आ गई, एम्बुलेंस वगैरह आया, फिर उसको ले जाया गया वापस ऑडिटोरियम पहुंचे जहां पर सेमिनार होना था। तो वहां जो मेरा ड्राइवर था और भी लोग कई सारे लोग थे, वो ड्राइवर बोलता है आज का दिल ही खराब है कल। सुबह सुबह एक तो वो हाईवे पे दुर्घटना हो गई और दूसरे बार ये एक दुर्घटना हो गया, पूरा दिन चौपट हो गया। अब उस समय सोचो आप, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। मैं जो 1300 वाला जो एग्जाम्पल लेके, 1200 लोग यही बोलेंगे कि आज का दिन ही खराब है, लेकिन कुछ ही लोग है मैंने उसको रोका, बोला बुढ़बक आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली बार जिस हाईवे पे हमारी दुर्घटना हुई, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि ऐसी घटनाओं में लोग मर जाते हैं और हम बाल बाल बच गए, हमें क्रोश तक नहीं आई। आज का दिन बहुत अच्छा है कि वो ऑटो वाला पलटा, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और कोई भी उसमें मरा नहीं, थोड़ी बहुत खरोचे आ गई जो कि बाद में ठीक हो जाएगा। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, और ये बोल कर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, क्योंकि अगर मैं उसके इंफ्लुएंस में जाता कि वो आज दिन सही में खराब है तो पूरा सेमिनार खराब हो जाता। 500 बच्चे बैठे थे और ये बोल गया तो दिन ही खराब है यार, आज मेरे से हो नहीं पाएगा, पूरा टेंशन में हो गया। अगर फिर लेके मैं चला जाता तो क्या होता, सच में दिन खराब हो जाता। तो सोच का फर्क है, आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव बन जाओगे। एक छोटी सी कहानी और मैं बताना चाहूंगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। हमारा जो ये ब्रेन है ये एक फैक्ट्री है, आपको पता है आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, क्लैप करने वाले अपने लिए, आपको भी पता नहीं ये फैक्ट्री है। 40,000 से ज्यादा थॉट रोज आते हैं आपके दिमागों में, 40,000 प्लस थॉट एवरी डे इन योर ब्रेन। इसमें से मैक्सिमम आप नेगेटिव करके अपने आप को परेशान कर लेते हो, और ये जो नेगेटिविटी है अंदर शरीर के अंदर केमिकल ऊंचा उत्पन्न करता है, केमिकल लोग हाँ समझते हो आप सब समझदार हो, वेरी गुड। एक छोटी सी कहानी, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके अंदर क्या होता है,